तो बैक बेंडिंग जो है मोस्टली बोलते हैं कि कमर को पीछे मोड़ना मतलब कि बैक बेंड। कहाँ से बेंडिंग होती है कमर? स्पाइन। लोअर पोर्शन। फ्रॉम द हिप्स। फ्रॉम द हिप्स। एंड एंड फ्रॉम द वेस्ट। एंड स्पाइन। यहाँ से फॉर ऑल थ्री रीजंस। वेरी गुड। तो मेरा भी ये टारगेट है स्पाइन के ऊपर। हमारी जो स्पाइन है आई विल डिवाइड आवर प्रैक्टिस ऑन द बैक बेंडिंग। Your upper back with thoracic, then our thoracic and the middle back, then your lower back, and then your bottom back. हम तीनों पार्ट पर एक एक करके काम करेंगे क्योंकि हमारी जितनी भी बैक बेंडिंग की वेरिएशंस हैं तो वो सारी उसी के ऊपर बेस रहती है। और वन मोर क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बैक से रिलेटेड? बैक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन नॉर्मल है या नॉर्मल है? तो ओके, ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस अगर किसी को किसी भी वक्त कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा लगती है, यू फील दैट इज समथिंग बियॉन्ड योर लिमिट, समथिंग वेरी हार्ड फॉर यू, समथिंग इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो प्लीज स्टॉप योरसेल्फ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई टू गिव यू सम ऑप्शंस ऑल द टाइम। हमारी वन प्रैक्टिस में कुछ मॉडिफिकेशंस रहेंगी, मॉडिफिकेशंस रहेंगी, वेरिएशंस रहेंगी, कुछ ऑप्शंस रहेंगी। तो वट एवर द मॉडिफिकेशन, वट एवर द ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू, you go ahead with that. तो mainly जो भी हम back bend करते हैं तो we most of the time we are focusing on our lower back, right? हम back bending करते हैं ज़्यादा, हम focus अपने lower back पर रखते हैं। तो इसका एक reason ये है कि हमारी lower back को flexible हो जाती है लेकिन हमारी upper back stiff रहती है because we are just ignoring and we are neglecting our upper back. और अगर आप योगासना की बात करें तो there are a lot of postures which are based on your upper back. और अपर बैक पर काम ना होने के कारण हमारी अपर बैक में स्टिफनेस है या शोल्डर में स्टिफनेस है, उसमें पेन है, तो ये प्रॉब्लम हमारी रह
हम धीरे-धीरे हम स्टार्टिंग करेंगे अपर बैक को हम कंबाइन करेंगे शोल्डर से, बिकॉज़ शोल्डर पर काम करेंगे, देन वी कैन बी प्रैक्टिस ऑन द अपर बैक, और उसके बाद वी विल गो ऑन द लोअर एंड द लोअर बैक नेक्स्ट शुरुआत करेंगे। हां, वी विल स्टार्ट इन समथिंग बेसिक थिंग्स। हमारी स्पाइन की कुछ मेजर मूवमेंट्स होती है, देयर आर 6 मेजर मूवमेंट्स ऑफ आवर स्पाइन। कोई बताएगा कौन-कौन से होती है हमारी स्पाइन, कहां कहां पर मुड़ती है, बैंड होती है, दीज आर द मूवमेंट नंबर है, और दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्पाइन। मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मूवमेंट मींस फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड ओवर ट्विस्टिंग लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो ये हमारी 6 हमारी मेजर मूवमेंट होती है स्पाइन की। तो जो भी हमारी मूवमेंट होगी वो इन्हीं के ऊपर बेस रहेगी। तो बैक बेंडिंग के ऊपर हम काम करेंगे। अब यहां से वी विल स्टार्ट from the shoulder and then shoulder then the upper back. So before starting we will start the 3 times om chanting. तो आप सभी किसी भी एक comfortable position में बैठ जाइए, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, any position, and keep your spine straight everybody. आप कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, चीन मुद्रा, you can bring your palm together, आईज क्लोज, आपकी आंखें बंद, कमर सीधी, जस्ट स्पाइन स्ट्रेट। In the class, so now we go 3 times on chanting. Take one deep breath, inhale, and now just start. नमस्ते मुद्रा में रवि और बहुत gently open your eyes and look up at your palm, smiling face, and now relax. Once again, namaste to all of you and welcome to all of you. Everybody please stand. Aap khade ho jaiye sabhi.
आप सभी के पास ट्रैक होंगे, आप ले लीजिए अपने पास। तो एक आगे आ जाओ बैठ के और एक पीछे चले, आप आगे आ जाओ, आप पीछे, आप आगे, इट्स लाइक। तो कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ प्रिपरेशन है, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम इट। Just open the strap and take the strap in your hips. We'll go the some arm rotation for the shoulder opening. So everybody, inhale, then your both arms up. और एक्सल के साथ धीरे से हाथ नीचे। कोशिश करनी है आपको हाथ मोड़ने नहीं है। Your arm should be straight. Inhale, both hands up. And exhale, then down. Maybe किसी को लगता है कि ये हो नहीं रहा, ये ज़्यादा हो रहा आपके लिए, तो you can make a bigger that. Understand? और किसी को लग रहा है कि this is easy for me, मैं तो और भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ feel नहीं हो रहा, so they can close that gap. Because everybody has a different flexibility, different strength. So according to that, you just decide the gap. Okay, continuous. Inhale, both hands up. Exhale, down, inhale, both hands up, exhale, down, arm straight, हाथों को मोड़ना नहीं है, inhale, both hands up, exhale, then down, मोड़ना नहीं है, inhale, both hands up, exhale, down, करते रहो, 2 मिनट तक करते रहो, धीरे धीरे, और एक मुस्कान रखो, smiling face, it's a free. Yes. और अपना जो भी आपके मूवमेंट है, whenever you practice yoga, so you should be connect yourself with the breath. जो भी मूवमेंट है, वो आपको अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं मूवमेंट, कंटिन्यूस, इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सेल डाउन, इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सेल डाउन, एंड ट्राई टू फील द ओपनिंग इन योर शोल्डर, योर अपर बैक. Continuous. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. लंबी गहरी श्वास के साथ सांस लेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे जाएंगे. Continuous. Feel it. कोई भी जंक्स नहीं मारना है, कोई भी बाउंस नहीं करना है हाथ को. Inhale, hands up. Exhale down. Inhale, hands up. Exhale down. A few repetitions बाद आपको लगता है कि now you are feeling a bit opening. तो उस केस में आप थोड़ा सा, a bit inch, you can close the gap. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. And then once again try. Arm straight. Inhale. Exhale down. Inhale. Exhale then down. सर धक्का नहीं करना. Inhale. Hands up, exhale down, inhale, exhale then down. कोई भी shoulder की आपकी stiffness है, upper back से related, that is a very nice exercise movement for it. 2 more times, inhale, and then exhale, inhale, exhale, inhale. Exhale. हाथ मोड़ने नहीं आपको, हाथ सीधे. Inhale. And then exhale. Okay, done. Relax. कुछ feel हुआ? Opening feel हुई आपको? So maybe for you, maybe some of you, you are practicing first time. When you practice continuously, so you can feel opening in the shoulder. And day by day, after practice, you can close the gap and you will feel that. More open. Okay, we go for the next practice. Everybody, both hips up and make finger lock. Like me. Palm facing up. Stretch your arms. Just stretch. Stretch your stomach in and your hip. You have to push your hip front. This is to say the tilting. Hip front. And up yahan se you have to push your shoulder a bit behind. Rokiya. One. 2
three, four, five, six, breathing normal, eight, nine, ten. Inhale, come back, exhale, relax your head. Now make a finger lock from the back side. आपको शोल्डर ओपनिंग और अपर बैक की ओपनिंग के कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सम डिफरेंट वेरिएशन से. इनहेल वंस अगेन, ओपन शोल्डर, ड्रॉप योर शोल्डर, हिप पुश इन फ्रंट एंड देन ट्राई टू बी लुक अप. आपकी पूरी की पूरी अवेयरनेस रहेगी आपके शोल्डर एंड अपर बैक. फील द ओपनिंग इन द शोल्डर, योर अपर बैक, इन द लंग्स. ट्राई टू बी लुक अप एट द सीलिंग एंड यस प्लीज ब्रीथिंग नॉर्मल. आप कोई भी पोस्चर होल्ड करते हैं, व्हेनेवर यू होल्ड एनी पोस्चर, यू ट्राई टू बी ब्रीथ कंटीन्यूअस एंड योर ब्रीथ शुड बी नॉर्मल. ना ही बहुत ज्यादा धीरे, ना ही बहुत ज्यादा तेज, जस्ट बी नॉर्मल. 3, 4, 5, 6 इनहेल, कम बैक एंड एक्सेल. एवरीबॉडी बैंड फॉरवर्ड. Your leg straight, just try to lock your knee, keep pushing your hip out, stomach in, spine straight, and then try to go down. Just stay. Here you will feel a bit stretch in your hamstring and also in your shoulder. Just stay, leg straight, do not bend your legs. 1, if you cannot touch your leg, no problem. 2, 3, tange sidhi, 5, and now 6, aaja wapas. Inhale, come back, and exhale, then relax. One more time, both hands up, finger lock, and palm facing up. Ab jo practice humne pehle ki thi, same we will go, and but this time we will a bit move. Same thing, your hip, arms, inhale, exhale, arms back. Inhale, arms straight, exhale, arm back. Bending nahi marni hai, sirf आपको शोल्डर पर काम करना. इनहेल एक्सेल आर्म्स बैक, इनहेल एक्सेल आर्म्स बैक, इनहेल एक्सेल, वन मोर टाइम आर्म्स बैक, इनहेल एंड वन मोर टाइम एक्सेल आर्म्स बैक. गुड, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स योर हैंड वंस अगेन, फिंगर लॉक फ्रॉम बैक साइड. इनहेल ओपन शोल्डर, drop your shoulder, push your hip front and then drop. In this round we do a little change. आप अपनी spine सीधी रखेंगे, rib cage को lift करना है, hip को push करना आगे की तरफ and then you see how maximum you can be go down. But लेकिन आपकी main awareness जो रहेगी आपकी upper back पर रहेगी. Try. Leg straight. Just stay. वहां तक जाना है आपको जहां तक आप इजीली ब्रीथिंग कर सके, इनहेल एंड एक्सेल कर सके. 1, 2, 3, 4, 5 एंड नाउ 6. इनहेल कम बैक, एवरीबॉडी ओपन योर लेग्स अ बिट मोर, लेग्स ओपन कीजिए लिटिल बिट. गुड एंड वंस अगेन जस्ट ट्राई टू बी बेंड डाउन ऑल द वे. Your leg straight. Keep pressing your heel. Leg straight. Lock your knee. 1, 2, 3, 4, 5, and now 6. Other arms. Inhale and exhale. Then relax. Leg straight. Relax. ये बिल्कुल very gentle practice थी जो भी हमने किया. Just preparatory practice. Let's open a bit your shoulder and upper back. थोड़ा बहुत कुछ feel हो आपको? You can feel a bit? Stretching. Yes. तो we that one is combined with the hamstring. तो अब हम यहाँ से back bending पर जाएंगे. अब यहाँ से sometimes I will take you on the upper back, sometimes I take you on the lower back. तो लेकिन back bending को करने से पहले I will show you some major technique and the alignment. Whenever you will practice any kind of the back bending, so that will be based on that same alignment and the same principle. हम कोई भी back bending करेंगे, जैसे कि I am showing you first. So firstly you have to be focused on your shoulder, like you have to be open your shoulder, any back bend. Second you have to be focused on drop your shoulder blade. और उसके बाद आप कोशिश ये करनी कि आपकी जो elbows हैं, आप कितना पीछे से उनको मिला सकते हैं. Your elbow should be closer from the back side.
थर्ड, उसके बाद थर्ड रहेगा आपका हिप, ये आपकी टिल्टिंग होती है, आई थिंक यू हर्ड अबाउट इट, बैक टिल्ट एंड द फॉरवर्ड टिल्ट, यू हर्ड अबाउट इट टिल्टिंग के बारे में. सो बैक बेंडिंग में हम यूज करेंगे आपकी फॉरवर्ड टिल्ट को. फोर के अंदर आएगी आपकी ब्रेथ, इनहेल के साथ जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो रिब केज है आपको वो लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम यू कैन बिल्ड लिफ्ट. लिफ्ट क्यों करते हैं? बेंड आल्सो सो दैट वी कैन क्रिएट अ स्पेस इन द स्पाइन मैक्सिमम. लिफ्ट नहीं करेंगे, यही करेंगे तो आपकी लोअर बैक धंसेगी वहां पर, वो सिंक हो सकती है वहां. सो दैट्स व्हाई एनी बैक बेंडिंग फर्स्ट यू हैव टू बी लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप एंड एक्सेल, देन यू हैव टू बी कम इन द एनी बैक बेंड पोजिशन. और एक मेजर पार्ट है आपकी नेक, कोई भी हम बैक बेंडिंग करते हैं सिटिंग में और द नी और द स्टैंडिंग, यू ऑलवेज यू हैव टू बी ड्रॉप योर हेड, राइट? तो जब हम नेक ड्रॉप करेंगे, सो नेक को भी कैसे ड्रॉप करना है? एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं जब भी हम नेक ड्रॉप करते हैं, हम ये सिंक मारते हैं नेक के अंदर, ये हैंग करते हैं नेक को, चाहे हम यहाँ करें, चाहे हम यहाँ करें, चाहे हम लेट के भी करते हैं, कोई भी, हमारी नेक ऐसे रहती है, मोस्टली सिंकिंग रहती है. तो ये नहीं करना है, हमको अपनी नेक को स्ट्रेंथ करना है, पहले खींचना है उसको, देन यू हैव टू बिकम इन द बैक बेंडिंग लाइक हियर. अंडरस्टैंड दिस इज द रॉन्ग वन and this is the right one, got it? कोई भी back bending, बस इन चीजों का ध्यान रखना है. तो अभी हम back के ऊपर अभी काम करेंगे. First I will tell you bottom back, then we will practice on the lower mid back and then upper back. Then we will go with our next practice. Put your both hands on the hip and just a little gap in between your both legs. So we go with the technique. First everybody open shoulder, drop your shoulder, ये सारी basic चीजें. Now inhale, your hip pushing front, tilting and exhalation के साथ में धीरे धीरे leg को bend नहीं करना है, leg straight and then try bend back, bend back, bend back. आपको वहां तक जाना है जहां तक आप जा सके और आप अपनी breathing, अपने सांसों को धीरे धीरे आप वहां पर ले सके. सांस लेने में कठिनाई होगी, यू आर फीलिंग डिफिकल्ट व्हेन टेकिंग ब्रेथ, सो यू कैन लिटिल बिट कम बैक. थ्री, ब्रीथ कंटिन्यूअस, ब्रीथ कंटिन्यूअस. फोर, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग. फाइव एंड नाउ सिक्स, इनहेल, कम बैक एंड एक्सहेल. एवरीबॉडी बेंड फॉरवर्ड इन द पाद हस्त आसन, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड. अल्टरनेट प्रैक्टिस. आ जाइए वापस. तो ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी. सेकंड प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, आपके जो हाथ हैं वो थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, अ बिट अप दैन योर हिप. सेम थिंग, शोल्डर, ड्रॉप योर शोल्डर, योर हिप, कम ऑन प्रैक्टिस. इनहेल, लिफ्ट अप योर रिब्स एंड एक्सहेल, सेम. Slowly, 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 slow, slow, slow. Then try to be bent back. Make sure your leg should be straight. हम कोई competition नहीं कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा back bending हम कर रहे हैं. You try to make sure your leg should be straight. One and try to be focused more on the breathing. आपको hip को आगे की तरफ push करना है, पीछे की तरफ नहीं. Five, six, breathing, breathing, breathing. Seven, eight. 9, drop your knee and now 10. Inhale, come back, exhale, bend forward. Bend forward, bend forward. ये बहुत ही basic सी चीजें हैं और यही basic चीजें आपकी हर जगह पर काम आती हैं. आ जाइए वापस. You can feel the difference in between the first and the second one. कुछ difference feel हुआ आपको क्या? हाँ, तो पहले हमारी awareness थी bottom back में और second में आपकी lower mid back. मैं आपको third variation पे लेके जाऊँगा. Then I will ask for you. तो उसमें आपको दो option मैं दूँगा. First option, you can try to make namaste on your upper back, your both palm in between the shoulder blade. Second, आपको लगता है कि this is quite difficult, you can do it. No worry, you can try to put your hands as maximum up. आप देखिए आप कितना ऊपर अपने हाथ को लेके जा सकते हैं.
try anyone. Try. Try anyone. And once you choose one option, use the same technique which you did before. Inhale, shoulder, drop shoulder, hip. कुछ लोग bending ऐसे मार रहे हैं, अगर आप ऐसे bending करोगे ना, तो आपकी सारी की सारी spine sink होगी आपके lower back. That's why I say you have to be tilting. करो, exhale and then try to come in the back. कीजिए, breathing, 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 breathing. Feel the opening in your lungs. Feel the opening in your heart. Breathing, breathing, one, breathing, 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 two, three, four, five, and now six. Enough. Inhale, come back, and exhale now. Bend forward, bend down. आ जाइए वापस. सो थर्ड वेरिएशन कहाँ फील हुआ आपको? अपर बैक. थोरेसिक में फील हुआ, अपर बैक में. तो हमारी जितनी भी बैक बेंडिंग की जो वेरिएशंस हैं वो इन्हीं टेक्निक पर बेस है. वेरिएशंस कैन बी चेंज, पोस्चर कैन बी चेंज, लेकिन जो अवेयरनेस जो आपकी रहेगी वो इन्हीं पार्ट्स में रहती है. तो अब मैं आपको बैक की थोड़ी सी, अपर बैक पर अभी हम काम करेंगे. तो you have to first we practice a very normal posture, that is we say extended child pose. Everybody stand on the knee, come in the cat pose. So first round is a very simple round. Maintain your knee to your hip aligned, and you adjust the gap. The gap should be equal. Knee or feet mein aapka gap jo hai bilkul same rahega. Then just extend your arms, your hip just pushing out, and slowly you have to devour. Koi bhi beginner hai, somebody is a big beginner, so they can simply drop your forehead like me. Agar kisi ko lagta they can do more, they can use your nose, chin, or kisi ko lagta they can do more, so they can drop the chest, or even they can drop your rib cage on the ground, and then just stay. Stay there. Stay there. Just stay. आपको क्या करना है यहाँ पर? You have to keep pushing your chest and keep pushing your shoulder against the floor. आपको अपनी chest को, अपने shoulder को, arms को नीचे की तरफ push करते रहना है. Then you can feel the opening in your shoulder upper back. कीजिए. One. Two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, and now 10. Okay, come back sitting position. Up, up, for our stage go. Back in. Do the same. अभी हम same practice करेंगे दोबारा. So this time we practice in a group. तो यहाँ से आपको ये control करना है आपको अपने partner के hip को, and then you have to be push your partner. You know, for you I can do more. You know, for you. Good. So, jab main inko push kar raha hu, so he can go a bit more deep in the practice. To ye practice aapki. Come on, make a partner fast. कोई भी दो लोग एक साथ में. कई बार हमारी लिमिट्स होती हैं, हम उस लिमिट को पहचान नहीं पाते. सो व्हेन वी प्रैक्टिस टुगेदर, सो इफ आवर पार्टनर कैन पुश अस, सो वी कैन फील दैट वी कैन गो अ बिट मोर
डीप इन द प्रैक्टिस. आप दोनों साथ में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. मैन मैन, वुमन वुमन, वुमन मैन, नो प्रॉब्लम. मिलके नीचे होगा, वुडन ब्लॉक यहाँ रख लीजिए. अब आपको अपनी
थाई से और नी से इस ब्लॉक को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, और उसके बाद यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टॉस, यस, एंड देन यू हैव टू बी होल्ड योर एंकल, सिंपल, वेरी सिंपल, इनहेल, शोल्डर ओपनिंग एंड एक्सहेल, जस्ट सिंपली ड्रॉप योर हेड, ध्यान रखना नेक को सिंक नहीं मारना है, स्ट्रेंथनिंग रखनी है नेक की, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, वन two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and on. And वापिस आ जाइए, वापिस आ जाइए, वापिस आ जाइए. अब यहीं से same practice we will do. यहां से अब क्या करेंगे, आपके पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ले लीजिए, वन ब्लॉक. तो इसमें मैं आपको दो तरह की प्रैक्टिस बताऊंगा. वन, यू कैन ड्रॉप द ब्लॉक सेम लाइक मी एंड डू द सेम थिंग वंस अगेन. सेकंड, यू थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर यू, सो यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द ब्लॉक एंड देन यू ट्राई वंस अगेन, फील द डिफरेंस. लेकिन अलाइनमेंट पर ध्यान देना आपको, योर नी hip should be aligned. एक बार आप ब्लॉक को फ्लैट कीजिए, उसको रोकिए, ब्लॉक को तीनों डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, एंड देन चेंज. व्हेन यू प्रैक्टिस विद ब्लॉक यू विल फाइंड दिस इज अ बिट इंटेंसिव फॉर यू. वन, हाथ सीधे, हाथ सीधे, हाथ सीधे, आर्म स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, arm straight, yes, arm straight, arm straight, is pushing down, pushing down, same thing, 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 yes, 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 try, 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 try. Okay, you come on the stage first. Do the same again. Take one first. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. आपको जो भी फील आ रही ना आपको याद रखना, फिर आप हमसे आराम से पूछेंगे कुछ दो ब्लॉक से. सेम हाथ, यस, वन टू, हाथ सीधे, हाथ सीधे, हाथ सीधे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तीन ब्लॉक से. Try both hands. Yes, once again. Pura haath upar. One. Ye zyada intense ho raha hai aapko? Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, relax. Tell everybody, when you practice with one, how you feel? When you practice with two, how you feel? When you practice with three, how you feel? Very fast. First practice mein yahan par tha pressure, second mein upar and third mein shoulders. No, that maybe she has, maybe जहाँ पर हम push करते हैं, so maybe that's because of that. लेकिन इसमें intense आपकी change हो रही है. Without block, normal. Then go with the one, a bit intense. Then go with the two, a bit more intense. Then go with three, a bit more intense. Then practice by practice, आपकी flexibility, आपकी strength, आपकी increase होती है, increasing. So you can be go up, up and up. You can go with the three, then four, then five, then six. It depends. तो मैं आपको 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप अपनी प्रैक्टिस फिनिश कीजिए. यू कैन मेक योर पार्टनर वंस अगेन एंड यू कैन ट्राई विद वन, यू कैन ट्राई विद टू और इवन यू कैन ट्राई विद थ्री, आई डोंट माइंड. कम ऑन, फर्स्ट हेलो.
चेस्ट नीचे नहीं जा रही स्टिल सो यू डोंट नीड आप कम करो आप जा रहे फॉरवर्ड चेस्ट के नीचे जा रही हां जी ये नहीं कि आप जितने ज्यादा ब्लॉक करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा ऐसी कोई बात नहीं आपके शोल्डर स्ट्रेट भी नहीं जा रहे और भी लेवल है ये प्रैक्टिस थी जस्ट टू लेट यू फील एंड पुश अ बिट प्रेशर ऑन द अपर बैक एंड शोल्डर और इसी कुछ और एडवांस वेरिएशंस आप कीजिए सेम पोज को हाथ आगे आप इसे मैट को ऐसे पकड़ सकते हैं कर लियो टोज इनसाइड यस एंड नाउ आपको योर बोथ नीज अप घुटने उठाओ 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 टांगे सीधी टांगे सीधी टांगे सीधी Good. A walk in, walk in, walk in, walk in, walk in, walk in, walk in. Chest down, chest down. आपको chest नहीं उठानी है. Chest जमीन के साथ रहेगी. उसके बाद आपको कोशिश करनी कि आप कितना जा सकते हो. Chest जमीन पे. Raise your heel up, heel up, heel up, heel up. Chest down, chest down, chest down, chest down, chest down. Yes. ज़्यादा करने के चक्कर में गलत नहीं करना. Yes. Good. So this is another variation like you can be. अब इनकी chest थोड़ी सी जा रही है ऊपर. Otherwise, you have to push the chest down here, and now you can go something others like one leg up, any one leg up. ये थोड़ा इसपे slippery हो रहा है. So these are some other modifications are there. So when you cover your one level, then you can try for the next level. और ये practice आपको effect करेगी आपके locus pose के अंदर both legs up. अभी बाद में जाएंगे उसके ऊपर हम, लेकिन this no हाथ front हाथ आगे. जितना बोलो उतना करो ना आगे भी जाए हाँ तो ये प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प करेगी आपको लोकस पोज की वेरिएशंस में जाने के लिए यू कैन फील लॉट ऑफ स्ट्रेंथ अपर बैक राइट तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पर भी आई जस्ट वांट टू शो थैंक यू वेरी मच कम तो दोबारा से आप कैमल पोज में आ जाइए slowly slowly so the flexibility and the strength will be increased then you can go a bit up there aajo dobara se kamal pose mein abki baar hum jo variation mein jayenge abki baar straight away I will give you the old variations
all options. So, आप decide कर लीजिए कि which level and which modification and which option you belong to be. उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिए. So, practice. Normal, you can stand on the toe. You can try. You can go a bit up, flatten feet. Then you can be try. Practice three. If you can think, you can do more. So you can touch in between your both legs. With the fingertip you can, arch with the fingertip you can, and place the palm, you can arch. So these are the some level. आप देख लीजिए आप किस level पर आप जा सकते हैं. और अगर किसी का ऐसे भी wheel ये camel pose अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक और option उनके लिए. आप उस केस में दो ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस तरह से, एंड देन यू कैन स्टिल यू कैन एंजॉय दैट पोज. सो वन पोज वी हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशंस एज पर द लेवल ऑफ द बॉडी. वी हैव डिफरेंट बॉडी हैव डिफरेंट कैपेसिटी. कम ऑन ट्राई. बड़ा ही बेसिक सा पोस्चर आप देखिए. यू कैन फाइंड दिस पोस्चर इन ऑलमोस्ट एनी योगा क्लास. ओपन योर नी मैक्सिमम एंड कम इन द जॉइंट स्ट्रेच रिलैक्स फॉर वन मिनट. This practice will heal your hip and your back. Just stay for the relaxation. Okay guys, come back. अब मैं यहाँ से हम jump करेंगे अपनी next practice. Cobra pose सभी ने सुना होगा, everybody know? हाँ वो भुजंगासन वाला. हाँ भुजंगासन वाला. तो वही भुजंगासन वाला हम यहाँ पर भी करेंगे. तो लेकिन उसको divide करेंगे उस practice को. उस practice को divide करेंगे. First we will focus on the upper back. This can be a bit intensive, लेकिन you have to follow your limit. तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे एल्बोस होल्ड कर लीजिए पीछे से, लेग्स में से थोड़ा सा खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम. तो दिस प्रैक्टिस विल बी लाइक वी प्रैक्टिस इन अ ग्रुप, पार्टनर के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा उसमें डीप जा सकें. एल्बोस आपको होल्ड करने हैं ऐसे, और हल्का सा आपको पुश करना है आपके पार्टनर की अपर बैक, उनके ऊपर बैठ नहीं जाना टांगे उठा के, ठीक है? तो ऐसे हल्का सा पुश करना है और धीरे से फिर आप उठाएंगे. Are you okay? Yes. I can push more or enough for you? Yes, push more. Here okay? Yes. सांस आ रहा है आपको? Yes. कैसे आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ? थोड़ा सा कम हो रहा है. थोड़ा सा कम हो, लेकिन आ रहा है ना? आ रहा है. हाँ लेते रहो, मजा आ रहा है? Yes. लेते रहो, मजे लेते रहो. One, सांस लेते रहो. Two, three, four, five, six. 7, 8, 9, and now 10. Good.
You can count up to 10 to 20. It will be depend on your partner's strength. Relax first. Relax for a second. तो ये मैंने push किया उनकी upper back को. अब same practice में हम थोड़ा सा change करें. Then I will bring the awareness on his lower mid back. अपने हाथ पीछे करो आप. Hands back. Yes. Give your hands. Hold my hands. Good. Inhale then up. Exhale. You can do more? Yes. Can more? Yes. Hip को नहीं उठाने, hip push नीचे रखो. Enough for you or can do more? Yes, enough. Enough. Now stay. Breathing normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and now 10. Relax. तो हम इस practice पर जाएंगे. At least 2 times for upper. 2 times for the lower. आप ये कीजिए, then we will go the other practice. Thank you very much. Come on, first. Aditya, is that helping? Nine, ten.
व्हील दोगे मुझे करो 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 व्हील के आगे चेस्ट के लगा और इस व्हील के आगे एक ब्लॉक लगा लिवर छोड़ दो छोड़ दो कहीं नहीं जाएगी अभी सो सम अदर मॉडिफिकेशंस लाइक हाउ टू यूज द ड्रॉप यू कैन यूज व्हील यू कैन यूज ब्लॉक और ये अभी अपनी अपने लिमिट में है देन शी कैन फील राज को बहुत आसन शीख है ओके थैंक यू हुआ सभी का एवरीबॉडी डन तो हेलो आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ जवाब तो दे दो हो गया सभी का कुछ फील हुआ अगर फील नहीं हुआ सो लेट मी नो आई एम हियर टू लेट यू फील प्रैक्टिस को अब हम चेंज करेंगे सर आप हम हैंडसम नहीं है ले जाऊंगा अब आपके दोनों हाथ
थाई के नीचे जैसे सलवासन करते हैं ना उस टाइप से यस सभी एवरीबॉडी नोस द लोकस्ट पोज यस सलवासन आपको पता है जी कैसे करते हैं टांग उठा लिया ठीक है तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे टू पार्टनर्स विल टुगेदर एंड देन वी विल डू इट ओके वंस अगेन योर लेग्स सर आप उनको ऐसे पकड़ेंगे अपनी पार्टनर की लेग्स को ठीक है सपोर्ट देंगे यहाँ पर और पूछना आपको अपने पार्टनर दैट इज इनफ फॉर यू और नॉट आप ज्यादा जा सकते हैं आप और ज्यादा जा सकते हैं थोड़ा गुड ये आपके लिए इनफ है yes. लेकिन ध्यान रखना एक चीज का कि जैसे इनकी स्पाइन सिंक करी नीचे तो ये आपको क्या करना आपकी इनकी स्पाइन को लिफ्ट करना ऊपर की तरफ और आप अपने नीज से भी उनको सपोर्ट दे सकते हैं नाउ इज मोर कंफर्टेबल कुछ और प्रैक्टिशनर है मे बी दे कैन गो अ बिट मोर डीप सो दे कैन बेंड योर लेग्स तो ऊपर लेग भी बेंड कर सकते हैं ठीक है हम कोशिश करेंगे इसकी यू हैव टू मिनट्स वन मिनट फॉर ईच एवरीबॉडी कम ऑन थैंक यू प्लीज ध्यान रखना किसी भी तरह कोई झटका नहीं मारना तो Up, 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 up
जरूरी नहीं कि आपको लेग्स बहुत ले ऊपर डिपेंड्स
नेकिंग रखनी है, चिन के साथ रखना है, थ्रोट नहीं डालना है। स्पाइन को पुश करना है, ये ऐसे। कई बार होता है कि हम ज्यादा ये थ्रोट निकालते ना उसके इसमें हो जाते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा उनका सा टकिंग रखना है वो चिन के साथ। ओके ट्रांस टू गेट इफ एवरीबॉडी डन सो प्लीज कम बैक ऑन योर मैट। इनफ आपके लिए everybody keep your both legs straight here. I'm just some twisting repetitions for the alternate practice. Swing the left and right. Inhale and exhale. It's good. After twisting ki bhi apni kuch techniques aur kuch alignments hai. Kijiye kuch time. Left, right side. चलो मैं ट्विस्टिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, एक मिनट के लिए आप इधर। करो ट्विस्ट किसी भी साइड में, लेफ्ट साइड में करो। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जमीन को टच कर रहे हैं माथे से, है ना, कर रहे हैं ना। हाँ ये एल्बो उठाओ अपनी लेफ्ट वाली, अब जाओ जाओ। हाँ अब इसकी जान निकल रही है, आओ वापिस आओ। इसकी क्या टेक्निक है, अब इसको ऐसे फेस चेंज कर लो। ट्विस्टिंग के अंदर जैसे कि हम इस प्रैक्टिस की बात करें, दोबारा जाओ, यू कैन लॉक योर फीट इजीली। हम लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका स्टमक को आपको एंगेज करना है अंदर की तरफ, और हिप जो है आपको पुश करना है नीचे की तरफ। अगर आप लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर ट्विस्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सो ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर लेफ्ट शोल्डर। आपका जो लेफ्ट शोल्डर है उसको आपको पुश करना है ऊपर की तरफ, राइट शोल्डर आपको पुश करना है नीचे की तरफ। आप इस टेक्निक से आप जाओ आप ट्विस्टिंग में, लेफ्ट शोल्डर अप राइट शोल्डर डाउन, लेफ्ट शोल्डर अप राइट शोल्डर डाउन। ये भूल जाओ कि आपको जमीन टच करनी है। इफ यू ओनली वांट टू टच द फ्लोर सो इट्स वेरी इजी, यू कैन लिफ्ट योर हिप, यू कैन टच, यू कैन ड्रॉप योर एल्बो देन यू कैन बी टच इज इजी। बट आवर टारगेट इज नॉट टचिंग द ग्राउंड, आवर टारगेट इज गोइंग द राइट ट्विस्टिंग। तो जो भी अगर हम राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, सो द सेम आपका हिप स्टमक सेम रहेगा, लाइक राइट साइड में यू हैव टू बी फोकस मोर योर राइट शोल्डर अप एंड लेफ्ट शोल्डर डाउन। एक बार फील करके देखो आप एक एक बार लेफ्ट एंड राइट, और थोड़ा सा उसको रोक के भी देखो, हो रहा है when you twist on the left, so focus more your left shoulder up and right shoulder down. Kitna ho raha hai doesn't matter. Jab aap right side mein twist karenge to right shoulder up and left shoulder down thoda karenge acha acha ho gaya. Okay relax. तो हम एक प्रैक्टिस और करेंगे अपनी बैक बेंडिंग में, दैट इज व्हील पोज। व्हील पोज की अपने कुछ बहुत सारी वेरिएशंस हैं,
बिगनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट और उससे भी बहुत हाइपर इंटेंसिटी के अंदर भी व्हील पोज की प्रैक्टिसेस हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे, फर्स्ट राउंड हम जाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पर। आप आइए दोबारा, व्हील पोज सभी को पता है, व्हील पोज चक्रासन सभी का होता है, चक्रासन yes. सभी का होता है, यस वेरी गुड। लेट्स गो, फर्स्ट राउंड हम करेंगे लेट के, सेकंड राउंड हम करेंगे स्टैंडिंग में, और थर्ड राउंड आई विल सी। मैं मुझे देखता हूं आप लोग कैसे जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड। बेंड योर लेग्स, हैंड्स पाम इनसाइड रहेंगे सभी के, और कोशिश करना आप एक ब्लॉक लेके ना अपने पैरों के बीच में लगा के रखना उसको ऐसे। देन इनहेल एंड एक्सहेल आउट। गुड, तो मैंने ब्लॉक क्यों लगाया इनके बीच में, ताकि आप अपने लेग्स को और अपनी नी को और अपनी थाई को आप कंट्रोल कर सको। हमने स्टार्टिंग में कैमल पोज की प्रैक्टिस की थी ब्लॉक के साथ में, वो इसी रीजन से की थी, ताकि आप अपनी लेग्स को थाई को कंट्रोल कर सको। इसमें इंटरनल रोटेशन आती है, वो फिर वो ज्यादा हो जाएगा उस डिटेल में अगर मैं जाऊंगा, तो बस हल्की सी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि आपके नी जो है फॉरवर्ड रहेंगे और आपकी थाई को आपको स्क्वीज करना है इनसाइड, इसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। जैसे हिप की भी कुछ मूवमेंट्स होती है, जैसे कि आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, आउटर रोटेशन, तो उसमें आती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी आर्म्स है डिपेंड्स करेगा कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, प्रेसिंग पाम और जस्ट ट्राई टू बी लिफ्ट अप। और उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस भी है, इफ यू कैन मेंटेन, आप इसमें मूव भी कर सकते हैं लेग्स को इस तरफ, आप उस तरफ जा सकते हैं लेग की तरफ, आर्म्स की तरफ, लेग्स की तरफ और आर्म्स की तरफ, इफेक्ट चेंज होता रहता है उस केस में। अगर आपको ज्यादा फोकस अपर बैक पर करना है तो आप अपनी अपर बैक को लिफ्ट कीजिए एंड देन यू हैव टू पुश टू माय साइड लाइक अपोजिट साइड, तो आपकी अपर बैक और आपके शोल्डर स्ट्रेंथ पर अब यहां पर काम होगा। अगर आप नॉर्मल रहते हैं नॉर्मल, फिर ये पूरे स्पाइन पर आपके काम होगा। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको इसमें 2 मिनट दे रहा हूं व्हील पोज की प्रैक्टिस में, सिटिंग के साथ में, लाइन के साथ में सॉरी, तो उसके बाद फिर हम अगली पर जाएंगे। आप एक बार कीजिए, होल्ड कीजिए थोड़े सेकंड, वापस आइए, अगेन ट्राई, फिर होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, अगेन ट्राई, कम से कम 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस करो। कम ऑन, यस वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा आपसे कोई डाउट सो रखें, you can hold the hands in the back, you can hold leg up, yes, आप लोगों को बता रहे हैं, hold leg up, raise your hips, keep your heart up.
पोज की जो स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, वी विल डिवाइड आवर प्रैक्टिस, प्लीज लिसन, वी विल डिवाइड आवर व्हील पोज प्रैक्टिस इन फ्यू पार्ट्स. सो फर्स्ट आई एम जस्ट फॉरगेट अबाउट द व्हील पोज, हम उसकी कुछ प्रैक्टिस पर जाएंगे. बहुत थैंक्स. पहली प्रैक्टिस आपको उनके अपर बैक के ऊपर काम करेंगे, आपको स्ट्रैप यूज करना है अपर बैक पर. वन लेग बी फ्रंट बाई साइड, इनहेल, लिफ्ट अप स्पाइन, ऐसे जस्ट बैठ आओ, जाइए 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 जाइए, रुक जाइए. वन से टू थ्री फोर फाइव अप टू टेन टाइम्स, ये रिलैक्स. आइए वापस, इनहेल इनहेल, एक्सेल, बेंड डाउन बेंड डाउन. One, two, three, four, nine, ten. Stand up. हो गया. Second time. Again. दोबारा. दूसरी बारे में आप उनको awareness देंगे उनके mid back पर. Mid back. दोबारा. Inhale. Exhale. जाइए. 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 Good. Stay. One. Two. सांस आ रहा है? अगर सांस नहीं तो गर्दन उठा लो थोड़ा सा. गर्दन उठा लो. Four, five, six, nine, ten. Other office in here. Excellent. One, two, nine, ten. Khatam. Our office. About the angle. Come on, one. Thoda sport rakhna unko. Leg pe. Come on. In here. Excellent. In here. Excellent. आप थोड़ा सा बेशक लैग बैठ कर डरो मत सर, डरना नहीं है, डर के आगे जीते हैं. माउंटेन की सब स्लो 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 एंड देन स्लो. सो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग द स्टेप. कोई भी आपकी प्रैक्टिस है, इट्स ओके, यू कैन डू समथिंग वेरी मच डिफिकल्ट, समथिंग वेरी हार्ड, लेकिन इट्स गुड इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप, इजियर फॉर यू. और उसमें इंजरी होने के भी हमारे लेस चांसेस होते हैं. अगर आपकी वेरी मच तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे अपनी प्रैक्टिस को वन टू थ्री पार्ट में. लेकिन ध्यान रखना है, माइट बी इन सम केसेस, might be some student, might be some member, they are not able to go completely down. तो उसमें पहली बात तो आपको कुछ भी बुरा फील नहीं करना है कि मुझे हो नहीं रहा. ले बैक. आपको लगता है कि आप सिर्फ यहीं पर रोक पा रहे हैं हाफ लेवल पर, वहीं रोकिए उसको और लेकिन उसको कोशिश कीजिए होल्ड करने की. इन्होंने 10 सेकंड रोका, 10 काउंट तक रोका, आपसे सिर्फ 5 काउंट रुकता है, इज इनफ. ठीक है, ये नहीं 10 में रोको लेकिन आप उसमें पूरे मसल्स आपकी बॉडी टेंस है, तो नहीं करना हमें. Five count is okay. ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 10 तो 10 नहीं, 5 होता है तो 5 तक रोकिए, यहाँ रुकता तो यहीं रोकना उसको. Understand? Yes. Come on, you have 5 minutes for it. Thank you.
जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको फर्स्ट करूंगा। Relax. Other arms. Other arms.
अभी अपर बैक की स्ट्रेंथ पर थोड़ा सा वर्क कर रहा है, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी को इन द लोअर आई स्ट्रैप नहीं है तो आप टॉवल यूज कर सकते हैं, टॉवल नहीं है घर में तो सॉक्स से कर लोगे, इतनी बड़ी बड़ी सॉक्स है आपके पास आपको थोड़ा लंबा चाहिए, दो चार चाहिए नहीं, दुपट्टा है, चुन्नी है, शॉल है, उसको भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं anything you can do. और क्या क्या था हमने? शोल्डर की प्रैक्टिस की थी फिंगर लॉक के साथ में, लेकिन अवेयरनेस कहाँ रहेगी? अपर बैक शोल्डर में, रिमेम्बर? और क्या क्या था? फॉरवर्ड बेंडिंग किया था ना, फॉरवर्ड बेंडिंग ओपनिंग की थी यहाँ पर, और क्या क्या था? सर्वेटेड कैमल पोजीशन, हमने एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज किया था, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी की थी बिगनर लेवल पर और थोड़ा इंटेंस लेवल पर, यू रिमेम्बर दैट? उसके बाद हमने स्पाइन पे तीन पार्ट पर काम किया था बेसिकली, क्या क्या किया था? लोअर, थोरैसिक और अपर, खड़े हो जाओ फटाफट बताओ कैसे कैसे किया था, नहीं पहला काम किया था हिप, सेकेंड अप और थर्ड अपर बैक थोरैसिक, ओके राइट. हमने अलाइनमेंट की बात करी थी, बैक बेंडिंग, किस कोई भी बैक बेंडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन, वो क्या थी अलाइनमेंट की स्टेप्स? जतिन कम हियर टेल अस फर्स्ट, भाग क्या, भाग क्या, हमने क्या टेक्निक यूज करी थी, अलाइनमेंट क्या यूज की थी, कोई भी बैक बेंडिंग का पोस्चर? यस गुड, जोर से बोलो जोर से, हिप्स कर्ण आए, यस, शोल्डर्स अप और शोल्डर्स रिलैक्स, गुड, चेस्ट आउट, गुड. Main thing, your rib cage lift up, and then breathing. कैसे? Shoulders relax. Bend back. Bend back with the
very nice. And once you hold the posture, then what you have to do with the breathing? Keep breathing. Keep normal. Very nice. Okay, nice. Good. Thank you very much. Please. Aur kya kiya tha? हमने शलभ और कोबरा को हमने थोड़ा सा डिवाइड किया था उस प्रैक्टिस को शोल्डर की क्या ना शोल्डर की और फिर लोअर बैक की हमने किया था अगर वो प्रैक्टिस यू कैन डू यू डोंट हैव द पार्टनर यू कैन प्रैक्टिस विद अ बॉल ठीक है वो आप वैसे भी कर सकते हो और क्या किया था कैमल किया था कैमल के अंदर कोशिश करना आप ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करो कुछ दिन के लिए ताकि आपको ये अवेयरनेस आए कि आपको थाइस को कैसे एंगेज करना है आपका कैमल इंप्रूव होगा व्हेन यू हैव द अवेयरनेस ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर थाई सो आपका उसकी इफेक्ट आपका व्हील पोज के अंदर भी आएगा उसका क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं बेसिक फाउंडेशन व्हेन क्लियर देन यू कैन गो ऑन द अपर लेवल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स सबसे लास्ट में क्या किया था चक्रासन किया उसके बाद क्या किया था So, any question, everybody? तो इसलिए मैं आपको ब्लॉक दे रहा हूँ ना ब्लॉक के साथ आपको नी को प्रेस नहीं करना एक्चुअली आपकी जो थाइस है वो आपके ऐसे इंटरनल रोटेशन के अंदर आती है इनकी भी मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन जैसे कि और फिर आउटर रोटेशन जैसे आप बटरफ्लाई करते हैं वो आउटर रोटेशन के अंदर आती है ये आपकी इंटरनल रोटेशन के अंदर आती है ये हिप की कुछ मूवमेंट्स है एनीथिंग एल्स यस प्लीज स्टैंड अप फास्ट टेक टू ब्लॉक्स विद यू फ्रॉम द वॉल अब थोड़ा सा हटके जा रहे हैं हमारा टाइम जा रहा है लेकिन इसने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा मुझे कम विद द वॉल दोनों ब्लॉक वॉल के साथ लगा दो आप ठीक है अब व्हील पोज करो और दोनों हाथ आपके ब्लॉक के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि इनकी जो है लोअर बैक इज क्वाइट गुड लेकिन अपर बैक सी हैज टू वॉक अब आप अपने चेस्ट को पुश करो दीवार की तरफ जाओ जाओ लिफ्ट करो लिफ्ट करो लिफ्ट करो और पुश करो चेस्ट को दीवार की तरफ और करो और करो और करो लेकिन इसके लिए आपको जब जाना है जब आपकी थोड़ी बहुत लोअर बैक के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो स्ट्रेट अवे नहीं जाना स्ट्रेट अवे आप जाओ इट कैन बी हार्मफुल Because this is a bit up and down. Amit? Clear? Or all clear? So thank you very much guys. So we have... मुझे करना था 90 मिनट पर लेकिन ये हमारा चला गया. I'm sorry Chetna. हमारा 2 घंटे चला गया. I'm sorry for it. Break. एक group photo. Okay, take one group picture, then 5 minutes and then we start again for that. खड़े हो जाओ आ जाओ यहाँ पर सरकार अगर somebody want to buy the yoga wheel so you can come back with Chetna yoga wheel के साथ there are a lot of practices which is good for opening your spine and so many things सामने वाले ना वज्रासन पर बैठो ऐसे वज्रासन बैठो इसलिए बोला गुड मैन गुड मैन करो और इनके ऊपर उसको बिठा दो नहीं मेरे को बिठा दो वज्रासन के अंदर मेरे को बिठा दो आदि मेरे को अरे आंगन नहीं आएंगे बिठा दे यार हमारी फोटो भी ब्लर मत देना